पुलिस के नाम से अक्सर काफी लोग डर जाते हैं, बट क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि इंडियन पुलिस अपनी पावर्स कहां से डराइव करती है? सो इट्स इंडियन पुलिस एक्ट 1861। सो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 यानी कि ब्रिटिश एरा का लॉ, आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी। और यही चीज को लेकर तो प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर पिटीशन में उन्होंने लिखा कि जब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इतने चेंज हो चुके हैं और इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और ये जो एक्ट है एक पुलिस स्टेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, तो आज इस एक्ट को क्यों ना रिवाइज किया जाए। उन्होंने फर्दर बोला कि नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में जो कि बना था उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और उस रिकमेंडेशन के बेस पर इस लॉ को, एज ओल्ड लॉ को हमें रिवाइज करने की जरूरत है। सो कोर्ट ने इस बात को ध्यान से सुना और कोर्ट ने कहा जब तक नई लेजिस्लेशन नहीं आ जाती तब तक कंपल्सरली 7 डायरेक्शंस दिए उन्होंने जिस हिसाब से पुलिस वर्क करेगी। ये 7 डायरेक्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टू नो ऑल दीज डायरेक्शंस यू कैन गो टू द डिटेल्ड वीडियो ऑन आवर चैनल लॉन्चपैड IAS। थैंक यू।